मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जा भी होंगे, खैर खरस होंगे। तो हम बैठ गए यहाँ पर नाश्ता करने। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी है, यहाँ पे चाय है, गुरु यहाँ पे खा रही है और इब्बू कब्बर इब्बू यहाँ पे खा रहे हैं और मैं बीच में बैठी हूँ। तो चलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। हाँ तो जा दो। वाह जादू, वाह मेरा बेटा बहुत जादूगर है। ये किसने बना के दिया? भैया देख, ऑनेस्ट रिव्यू दिया उसने। भैया ये पूरा बड़ा होते जा रहा, पूरा बड़ा, ये पूरा बड़ा होते जा रहा। हाँ ऑनेस्ट रिव्यू दिया, झूठ नहीं। दे देना उसके हाथ में, दे देना, वो जैसे कर रहा करेगा। वो तो शांत बैठ गया। क्या नहीं दिया तेरे हाथ में ही तो था, क्या नहीं दिया? लाइन चली गई। 20 तो मुझे चाहिए होगा और 10 तुम्हारे बेटे को। हंसते हंसते क्यों नहीं हो? लोग बोलते हैं कि आपके पति के दिल में कितना दुख है, इतना उदास क्यों रहते हैं, इतना उदास क्यों रहते हैं? हिमालय के पहाड़ों में जाकर तुम बैठ गए घर में जो बोल रहे थे। लाइन चली गई यार। अल्लाह हाफिज़। ना बैग दो, अरे यहाँ पे नहीं रखते, इधर दो। खाने का जूते की जगह पर रख रहा, और मुझे गिले है शायद, मुझे गिले है, जूता ही पहन लो खाली, मुझे गिले है ना, इसी में। आज लेके आओगे ड्रेस? क्या बोला मैनेजर ने, आज देगा? तो फिर वो ग्रीन कलर का ले लो ना, वो डार्क एकदम। वो कौन सा कलर था? वो मेहंदी कलर, वो अच्छा दिखेगा जी। ब्लैक पैंट के साथ भी अच्छा दिखेगा। यहाँ अगर तुमने यहाँ पे पैर रखा है बुक अब्बा, तो तुम देख लेना, मैंने कल ये जगह साफ किया, तुमको भी मालूम। दूसरे रख सकते क्या यहाँ पे? ऊपर जाने वाने वाले, ऊपर जाने आने वाले रख सकते, तुम नहीं रख सकते। दूसरे को मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि वो पराए है। या ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह धो लिए। यहाँ भी मैंने बनाया दाल और ये पम्पकिन की सब्जी, ये सूखी वाली बनेगी ऐसी पम्पकिन की सब्जी, क्योंकि दाल है, दाल के साथ एक सूखी सब्जी मुझे चाहिए होती है, सब्जी चटनी भरता कुछ भी। तो ये पम्पकिन की सब्जी सूखी बनेगी इधर सेट। और बच्चे यहाँ भी खेल रहे हैं। तो मेरा बच्चा नहा चुका है, ब्रश भी कर चुका है, अभी मेरा बच्चा खाएगा ताना। और मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है, लाइन चली गई है। अब पता नहीं कब व्लॉग अपलोड होगा, क्या होगा, क्योंकि चार्ज बिल्कुल कम है। मैं पापा दूंगे। हाँ दूंगी ना पापा। तो चलिए उसको खाना वाना खिला लेती हूँ मैं, और जब तक चार्ज रहेगा तब तक शूट करूँगी। तो बिस्तर बिस्तर मैंने लगा लिया है, थोड़ा अंदर लगेगा क्योंकि फ्लश मेरा ऑन नहीं हो रहा है, लो बैटरी है। यहाँ पे मैं ये जगह पूरा साफ करूँगी, पहले तो गैस को धोऊंगी। अच्छा जिन लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे उनको पता है कि गैस में ऐसे धो लेती हूँ, क्योंकि तेल के छीटे भीटे पड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो गैस को मैं ऐसे ही धोती हूँ, गैस को ऐसे धो के। ये मैंने अपने मायके से सीखा है, लेकिन मेरे मायके वाले मच्छी वाले हैं, तो मच्छी बनाने के बाद तेल के छीटे भीटे जो भी है गिरते हैं। मच्छी फ्राई करते टाइम बहुत
मतलब तेल के छींटे गिरते हैं, तो हमारे घर में भी गैस उठा के सिंक में डाल के धो लेते हैं पूरा। देखो साफ़ सफाई रहना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों की लास्टिंग तो वो देखा जाएगा बाद में। साफ़ सफाई होती तो बीमारी भी कम आती है और बरकत भी होती है, और वैसे भी साफ़ सफाई में रख के बीमारी कम नहीं होती है। आज मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा कमर जो है ना, मुझे डेली हर रोज़ एवरी डे दो पेन किलर लेना पड़ रहा है, और एक दिन में एक रात में। तो हाँ मुझे बीमारी होगी बेटा, एक दिन में एक रात में, तो जब तक बेटा कमर दर्द मम्मा का वही पुराना। जाओ तुम खेलो। देखा मेरे बच्चे ने जैसे ही सुना कि मैंने एक कमर दर्द की बात बोली, मेरा बच्चा फटाक से आ गया, माशाल्लाह मेरा बच्चा। तो आज जाऊँगी मैं डॉक्टर के पास, क्योंकि ऐसा तो नहीं चल सकता है, बिल्कुल नहीं चल सकता। देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। आई नो डॉक्टर बोलेंगे एक्सरे करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, तो चलिए धो लेते फिर मैं आप लोगों से लेती हूँ, ठीक है। एक हाथ से नहीं होता। तो ये जगह हो गया साफ़, जैसे आप देख सकते हो पूरा साफ़ कर दें, गैस वैस सारा कुछ। अभी घर साफ़ करूँगी, इस तरह से तो लगा दिया, और कपड़े, और ये तो कल धो के दिया, और थोड़ा और सूख गया था तो निकाल दिया, और साथ ही साथ एक बाल्टी यहाँ पे और है, वैसे वगैरह निकाला, तो ये भी धोना है। तो चलिए मोबाइल में चार्ज। मेरा बच्चे मम्मा को भी हो, कुछ नहीं होगा मम्मा को बेटा, कुछ नहीं होगा। अच्छा आपा से बात करें, आपा से हाँ। क्या बात करें आपा से, क्या बोला आपा ने? बेटा तो मम्मा को पचाने देते तो मम्मा दिवाएंगे। हाँ आपा ने ऐसा बोला, मम्मा को परेश बेटा मम्मा को परेशान नहीं करते। आए हाय मेरे बच्चा, अल्लाह तुझे बहुत खुश रखे मेरा बच्चा। ठीक है बोला तूने, ठीक है बोला, कब बोला, कब बोले ऐसे, कब बोला? रात को जब भैया साथ खेलो तुम लोग, जा बेड पे जाओ खेलो, मम्मा भी घर साफ करेगी। गुनू भाई को लेके जा बेटा, बेटा मम्मा को परेशान नहीं करना। वो त्या वो बॉक्स है, वो पाइप है, तुम जा वो ये वो मत। हाँ गैस का पाइप, जाओ तुम जाओ। नहा के आ चुकी हूँ, लाइट अभी तक नहीं आया है, अभी मैं पढ़ूंगी नमाज, उसके बाद खाऊंगी खाना। लाइट कब आएगा पता नहीं, मेरा मोबाइल भी तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं है, क्या होगा कुछ भी आ जा नहीं है। तो घर भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया, कपड़े भी मैंने धो लिए, बेड बेडशीट वगैरह जो भी था, देख सकते हैं जो भी है बेडशीट वगैरह सब मैंने धो लिए हैं, और घर वगैरह मैंने साफ़ कर लिया है। तो चलिए नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं खाना वाना खा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। आज तो हो चार्ज की वजह से व्लॉगिंग की तो क्या ही बोलूँ, सवेरे से लाइन गई है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर से, तब तक के लिए बाय बाय।